कड़ी। राजपूत नेताओं ने कहा किसी भी सूरत में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म, कहीं बंद तो कहीं हुए प्रदर्शन। कटारिया बोले लॉ एंड ऑर्डर संभालना हमारा काम। काली कमाई पर आयकर विभाग के साल में पहली छापेमारी। 8 शहरों में मेवाड़ हॉस्पिटल ग्रुप के ठिकानों पर कार्रवाई जारी, तो उदयपुर में मार्बल व्यापारी यूनाइटेड नेचुरल स्टोन पर हो रही कार्रवाई। केंद्र से आए दल ने लिया फसल खराबे और सूखे का जायजा। प्रदेश में कई जगह देखे नुकसान के हालात। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से ली जानकारी। प्रदेश के नौकरशाही में साहब को बिना काम घर बैठे मिल रहा वेतन। 17 आईएएस आरएएस चल रहे एपीओ, तो 15 अधिकारियों को निलंबन अवधि की मिल रही सैलरी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार उबाल जारी। आमजन के घर का बिगड़ा बजट। वैट और सेस घटाने से कुछ कम हो सकती हैं कीमतें। राज्य सरकार को देना होगा ध्यान। और बसंत पंचमी के दूसरे दिन आसमान से बरसा अमृत। जयपुर सहित कई इलाकों में हुई बारिश, फसलों को फायदा होने से खिले किसानों के चेहरे। उधर नोहर में गिरे ओले। नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सत्ता के संग्राम की। तो अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ उपचुनावों में भाजपा को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मांडलगढ़ पहुंची, जहां पर सर्व समाज के लोगों ने सीएम राजे का अभिनंदन किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम राजे ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर विकास के काम बेहतर हुए हैं। साथ ही कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि सरकारें बदलने से विकास होता है, तो वो गलत है। सीएम राजे ने यहां पर बीजेपी उम्मीदवार शक्ति सिंघाड़ा के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। तो मांडलगढ़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही, जहां पर उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। कहना उनका यही कि लोग ये मानते हैं कि सरकारें बदलने से विकास होता है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 साल के लिए सरकार आती है, वो काम ना करे, बैठे रहे तो कैसे विकास होता है। और उदाहरण उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दिया, जहां 15-15 साल से सरकारें हैं और किस तरह से विकास के कार्य हुए। खासतौर से मध्य प्रदेश का जिक्र किया उन्होंने कि मैं पली बड़ी वही हूं, पैदा मध्य प्रदेश में हुई हूं, मैंने करीब से मध्य प्रदेश को देखा है कि किस तरह से हालात पहले थे और इन 15 सालों में मध्य प्रदेश ने कितना विकास और तरक्की की है। और चलिए सीधे रुक करते हैं मांडलगढ़ का संवाददाता मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, संबोधित किया लोगों को मांडलगढ़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, शक्ति सिंह के सपोर्ट में वोट की भी अपील की, किस तरह का उनका कार्यक्रम आज रहा है और आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, अगर सीएम वसुंधरा राजे के मांडलगढ़ दौरे की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दौरा सीधे तौर पर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके साथ में सीएम ने एक आत्मीय संबंध बनाने की यहां पर कोशिश करती हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आई हैं। उसके साथ साथ अगर दौरे की शुरुआत की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले महुआ के अंदर एक विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबोधित किया और वहां पर लोगों को आश्वस्त किया कि हम केवल और केवल विकास के एजेंडे पर इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। उन्होंने हवाला दिया कि क्या कुछ मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जा चुका है और क्या कुछ किया जाना बाकी है। ये एक ऐसा रोडमैप था जो मुख्यमंत्री ने लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मांडलगढ़ की, तो जब शाम को मांडलगढ़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं, तो विभिन्न समाजों की ओर से उनका यहां पर स्वागत किया गया। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, जिसको कि रेखांकित किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री ने आम लोगों से यहां पर कहा है कि आप हमें मौका दीजिए, केवल 5 साल में विकास को गति दिया जाना संभव नहीं। विकास को त्वरित और अगर बहुत लंबे समय तक बनाकर रखना है, तो उदाहरण दिया गया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश, किस तरीके से गुजरात के अंदर 15-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर विकास कितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ा है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री न केवल इस उपचुनाव बल्कि इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी करती हुई यहां पर नजर आई। हमारे साथ में जो भीलवाड़ा UIT है, उनके
चेयरमैन गोपाल जी खंडेलवाल भी हैं और यहाँ पर हमारे साथ में राजकुमार अचलिया जी भी हैं। सबसे पहले गोपाल जी आपसे जानना चाहेंगे, सीएम का दौरा जिस अंदाज में आज वो यहाँ पर रूबरू हुई शायद कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा होगा। हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे मंडलगढ़ विधानसभा में पधारी है, जो एक महुआ कस्बे में बहुत भारी विशाल जनसभा की है, उसमें जनता से लाभ उमड़ पड़ा है और उससे ऐसा लग रहा है कि मानलगढ़ विधानसभा की जनता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है और मानलगढ़ विधानसभा से कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त पूरे विधानसभा करने के लिए तैयारी कर चुकी है और इसका रिजल्ट 29 तारीख को पूरी जनता देगी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हर समाज का प्रतिनिधि सब मिले हैं और हर कार्यकर्ता में बहुत बड़ा जोश है। राजकुमार जी आपसे बात करना चाहेंगे, अलग अलग समाजों ने यहाँ पर सीएम से मुलाकात की है, उनका अभिनंदन भी किया गया, एक आत्मीय रिश्ता जोड़ने की बात कही है, विकास को लेकर के ये आत्मीय रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है और क्या लग रहा है जिस तरीके से उपचुनाव है यहाँ पर? मानलगढ़ में उपचुनाव है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारी, जैन समाज ने, माहेश्वरी समाज ने, मैर समाज ने, पटवा समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, सिंधी समाज ने, ऐसे भिन्न भिन्न समाजों ने मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया है, स्वागत किया और उनको आश्वस्त किया है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से आपको हमारा पूरा समर्थन रहेगा और यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ समाजों का जो उत्साह था, समाजों के प्रतिनिधि थे, उनके साथ महिलाएं भी अच्छी संख्या में थी, इससे अच्छा संदेश गया। हमारे साथ में यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं शक्ति सिंह हाड़ा, वो भी मौजूद हैं। किस तरह से मानलगढ़ का ये दौरा मुख्यमंत्री का रहा है वो आपने भी जिक्र किया और दर्शकों को भी सुनाते हैं कि अपने संबोधन में क्या कुछ खास बातें कही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। यहाँ राजस्थान के अंदर एक वैसे प्रथा नहीं है हमारी, परंतु हम लोगों की प्रथा लोगों के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं कि एक समय एक पार्टी आएगी तो दूसरी समय दूसरी पार्टी आएगी। इसका फायदा तो पार्टियों को है परंतु उसका नुकसान जनता को है, क्योंकि जब अब मेरे को मालूम पड़ जाता है कि इस बार नहीं तो अगली बार तो आऊंगी तो फिर मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, ना उनको ना मेरे को, नुकसान आपका है। इससे पहले राज्य का हेलीपैड पर जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद राज्य ने सिंगौली गांव के चारभुजा मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली के लिए कामना की। तो दो अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं हेलीपैड पर, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची तो किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया, वेलकम किया गया, पहली तस्वीर है। वही दूसरी तस्वीर चारभुजा मंदिर की है जहां पर दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले सीएम राजे ने भीलवाड़ा के महुआ में भी भाजपा प्रत्याशी शक्ति सिंह हाड़ा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजे ने कहा कि सभी 36 कौमों की इज्जत बनाए रखना भाजपा सरकार का काम है। राजे ने रिफाइनरी का भी जिक्र किया और कहा कि रिफाइनरी से प्रदेश के युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। वहीं राजे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जैतपुरा बांध को ठीक करने का काम किया गया और फरवरी तक ये बांध बिल्कुल नए जैसा दिखने लगेगा। वहीं कुछ समय में पूरे मांडलगढ़ में पानी पहुंच जाएगा। राजे ने कहा कि बिचौलिया में कॉलेज जल तैयार हो जाएगा। राजे ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। राजे ने कहा कि 60 साल में काफी विकास हो सकता था लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। वही जयपुर में रावड़ा राजपूत का एक प्रतिनिधिमंडल सीएमआर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिला और उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजे ने हमेशा रावड़ा राजपूत समाज का सकारात्मक रूप से सहयोग किया है। सीएम राजे ने रावड़ा राजपूत के मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा लगाने की भी स्वीकृति दी। राणा राजपूत समाज ने 11 सूत्रीय मांगे जो मैडम के सामने रखी थी या सरकार के सामने रखी थी, उसमें मैडम ने कुछ मांगों के ऊपर हमें सहमति दी है और एक मांग का नोटिफिकेशन तो उन्होंने आज ही जारी कर दिया है, जिसमें राणा राजपूत समाज के लिए जो लोगों ने उसमें दिया था कि हमें हजूरी दरोगा या इस नाम से जो जाना जाता है या हमारे राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो चेंज करवाना था उसके लिए मैडम ने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है। हमारी जो प्रथम मांग थी राणा राजपूत समाज को गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने सर स्वीकार करके इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और यथोचित प्रक्रिया इसकी शुरू की गई है। बाकी मांगे जो हम लोगों की, हम रावणा राजपूत समाज की जो है वो भी प्रक्रिया के अधीन चली जा रही है। रावणा राजपूत समुदाय के लिए कुछ मांगे थी, हमारी 11 मांगे थी,
उन सभी मांगों को मैम ने स्वीकार किया। उनमें से एक पत्र था जो उन्होंने आज जारी कर दिया है कि जो राणा राजपूतों का एक राजस्व रिकॉर्ड का सुधारने का था वो जारी कर दिया मैडम ने। और इन सब में हम पूरी तरह से पूरा राणा राजपूत समाज मांडलगढ़ से, अलवर और अजमेर से पूरा राणा राजपूत समाज यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के साथ है। भाजपा के स्टार प्रचारक निहारिका राजे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रही और इस दौरान वे कुछ देर दूदू में रुकी, जहां भाजपा कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं निहारिका राजे ने गुर्जर समाज के पंच पटेलों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहू निहारिका राजे ने कल भी दूदू विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया था और बीजेपी के उम्मीदवार रामस्वरूप लांबा के पक्ष में वोट मांगे थे। आज भी उन्होंने ग्रामीणों को मोदी और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी आज भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा के प्रचार के लिए अजमेर पहुंचे और इस दौरान वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक्शन से काम लेती है। 70 साल के इतिहास में पहली बार 2,26,000 कंपनियों को निरस्त किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकर्ता इन कंपनियों को चलाते थे, जिनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था और इनके जरिए अवैध कामों के लिए पैसा आता था, जिसे मोदी सरकार ने बंद किया है। पहली बार मोदी सरकार ने 70 साल के बाद में 2,57,000 कंपनियों को नोटिस भेजा गया। उसमें से नोटिस भेजने के बाद में जो नॉन कंप्लेन कंपनी थी, सेल कंपनी थी, बोगस कंपनी थी, लगभग 2,26,000 कंपनीज को स्टक अप किया गया, निरस्त किया गया। ये मोदी सरकार और उन कंपनीज का इस्तेमाल कैसे होता था? उन कंपनीज का इस्तेमाल होता था कि एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, उसको कंड्यूट के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग का काम, ड्रग फंडिंग का काम, टेरर फंडिंग का काम, ब्लैक मनी जनरेट करने का काम इन कंपनीज के माध्यम से किया जाता था। अलवर में बढ़ती ठंड और मावठ के बीच उपचुनाव के माहौल ने सियासी पारा और भी चढ़ा रखा है। लगातार हो रही सभाओं की कड़ी में आज बहरोड में कांग्रेस की चुनावी सभा हुई और इस चुनावी सभा को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव, एआईसीसी सचिव जितेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई नेता संबोधित किया है। कई नेताओं ने और इससे पहले बहरोड में अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत भी किया गया, जहां से गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव के साथ रोड शो करते हुए जनसभा स्थल पहुंचे। वहीं अजमेर में कांग्रेस के आईटी सेल ने आज महंगाई और गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष दानिश अब्रार ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। कांग्रेस के शासन के दौरान जिन लोगों ने चूल्हा छोड़कर गैस अपनाया था, आज महंगाई के चलते लोग वापस लकड़ियां जलाने लगे। चलिए अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जयपुर में पूर्व सांसद महेश जोशी के घर पहुंचकर उनके पुत्र और पुत्रवधु को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि कल ही महेश जोशी के पुत्र रोहित का विवाह था। सीएम राजे करीब आधे घंटे तक जोशी के घर रुकी और जोशी के परिवार के लोगों से बातचीत की। इस दौरान जोशी परिवार के लोगों में सीएम के साथ फोटो खिंचवाने की उत्सुकता रही। सीएम के जोशी के घर से वापस लौटते समय कॉलोनी वासियों ने सीएम को फूल भी भेंट किए। फसल खराबा एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे के लिए आए केंद्रीय अध्ययन दल ने लूण करड़सर के आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। नीति आयोग के उपसहायक मानस चौधरी की अगुवाई वाले दल ने धीरेरा, बामनवाली, खीरा, उच्चंग देसर, कालू ढाणी, भोपालाराम और गारब देसर में फसल खराबे को लेकर किसानों से चर्चा की। किसानों के फीडबैक के मुताबिक केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अधिकारियों से बातचीत में ग्रामीणों ने अकाल के दौरान रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। दल ने लूण करड़सर के खीरा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्यों का अवलोकन भी किया और राज्य सरकार की पहल की सराहना की। राजस्थान गवर्नमेंट जो मेमोरेंडम दिया था और मेमोरेंडम मिलने के बाद केंद्र सरकार डिसाइड सिद्धांत ये लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टीम भेजेंगे। बीकानेर पहुंचे, बीकानेर का दौरा कर रहे हैं, तो इसमें स्थिति को
इसमें कोई दोहराई नहीं, स्थिति खराब है। उसमें हम लोग स्थिति में आपको देखने के लिए आया कि अब क्या चल रहा है, गांवों से बात करने गया, किसानों से बात किया है, तो वो इस बात के मुताबिक हम उसका जो भी हमें फाइंडिंग्स है हम उसमें रिपोर्ट देंगे। सवाईमाधोपुर जिले में फसल खराबे का जायजा लेने आज केंद्र से 3 सदस्यीय दल पहुंचा है और इस दल ने सवाईमाधोपुर तहसील बामनवास बौली और मलारना डूंगर में फसल खराबे का जायजा लिया, साथ ही किसानों से वार्ता करके जानकारी भी ली। वहीं दोपहर बाद फसल खराबे को लेकर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों से वार्ता की। इस बैठक में विधायक कुंजीलाल मीणा, जिला कलेक्टर केसी वर्मा, एडीएम महेंद्र सिंह लोढ़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश जैन सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।